आगरा में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं सेवा मार्ग सेवा समिति और पुष्पांजलि हॉस्पिटल के सहयोग से वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बीना लवानिया द्वारा महाजन भवन में वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के मासिक धर्म के लिए एक स्वास्थ्य परामर्श शिविर और स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया गया। तो वहीं सेवा मार्ग सेवा समिति द्वारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज और रत्नोनी कन्या इंटर कॉलेज में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर मशीन लगवाई गई है। महिलाओं को बताया कि रेजेंडर डिस्चार्ज के बारे में जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं की, उसके बाद बताया कि महावारी के समय कैसे स्वच्छता रखी जाए, साफ सफाई का कैसे ध्यान रखा जाए और उनके नॉर्मल पीरियड्स कैसे होता है, अब नॉर्मल पीरियड क्या होता है इसके बारे में बताया, सर्वाइकल कैंसर के बताया, सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसके बारे में बताया कि उसके क्या लक्षण होते हैं। महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस उपलक्ष्य में ये शिविर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री औषधि योजना जो है वो उसमें भी दवाइयाँ जो है कम रेट में मिल रही हैं, तो इस मंच द्वारा मैंने आज इन लोगों को भी बताया कि आप सैनिटरी पैड्स भी कम रेट में 1 रुपये में उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये स्वच्छता की ओर है, हम उनको जागृत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कहाँ से वो अपनी दवाइयाँ या अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकती हैं, कि जो परेशानियाँ होती हैं उनको देखते हुए आज यहाँ 2-3 डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, तो उनका परामर्श हो रहा है।